मॉर्निंग एवरीवन। सो चलिए आज चलते हैं कमर्शियल स्ट्रीट। जो कमर्शियल स्ट्रीट एक्चुअली बहुत ही पुराना बिजिएस्ट शॉपिंग स्ट्रीट है बेंगलुरु में। एंड जैसे कि हर कोई अगर 6 मंथ भी यहाँ पे रहते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई कैसे भी करके एटलीस्ट एक बार तो कमर्शियल स्ट्रीट मतलब आते ही रहते हैं। और यहाँ पे जैसे कि क्लॉथ से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, होम डेकोर हो गया, स्टेशनरी, ज्वेलरी, होमवेयर, फर्नीचर, सब कुछ यहाँ पे कमर्शियल स्ट्रीट में अवेलेबल रहता है। और बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइड भी कर देंगे, मतलब बहुत अच्छे बेस्ट शॉप भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉप भी यहाँ पे है, जो कि मतलब बहुत टाइम से यहाँ पे उन लोगों को बिजनेस कर रहे हैं। एंड कमर्शियल स्ट्रीट स्टार्ट है श्री कृष्णा डायमंड एंड ज्वेलरी के शॉप से एंड एंड होता है ईस्टर्न स्टोर से, जैसे कि कामराज रोड एंड जुमा मस्जिद रोड ऑल्सो एंड द कमर्शियल स्ट्रीट। और बाकी जैसे कि बहुत सारे रनिंग मतलब कमर्शियल स्ट्रीट में रनिंग स्टोर भी है, जैसे कि मस्जिद रोड में भी बहुत सारे ये वगैरह है, स्टोर वगैरह है। तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं कमर्शियल स्ट्रीट एंड देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। कमर्शियल मार्केट में है जो शिवाजी नगर में है बेंगलुरु पे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है एंड कैसे क्या मार्केट प्लेस है, क्या कुछ है, मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। तो कल तो आइकिया का विजिट था, तो आइकिया ब्लॉग आपको होपफुली अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखे हैं अब तक तो जाके चैनल में है, कल का वीडियो है आइकिया के वीडियो, तो कल जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी आज जितने भी यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट है उसे सब दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं कमर्शियल स्ट्रीट में क्या क्या है एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चलिए Thank you.
कामराज मार्केट या कामराज रोड है, तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े शोरूम है, जितना जैसे कि हो गया कोस्की हो गया, वेस्ट साइड हो गया, और भी बाकी बहुत सारे मतलब ब्राइडल शोरूम हो गया, जितने भी बहुत अच्छे अच्छे शोरूम, बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, इसी रोड पे ही आते हैं। मैं आपको एक 360 दिखाऊंगी, मतलब पूरा एक राउंड दिखाऊंगी क्या क्या यहाँ पे है करके। तो पहले जैसे कि यहाँ पे बड़े मार्केट होने के साथ में स्ट्रीट मार्केट भी है, और जैसे कि मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हो कितने अच्छे अच्छे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। और जैसे कि स्ट्रीट मार्केट में बहुत सारे मतलब जैसे कि लड़कियाँ यूज़ करते हैं झुमके, लटकाना हो गया, ज्वेलरी हो गया, और भी बहुत कुछ हो गया जो साइड में यहाँ पे है। और बड़े शोरूम में जैसे कि हम लोग कोई ब्राइडल मतलब ब्राइडल में हम जो यूज़ करते हैं वो सब हो गया, जैसे कि सोच वगैरह है सामने, मेरे सामने वेस्ट साइड वहाँ पे है। तो ये रोड पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए मैं ऐसे आपको एक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे बैक साइड में आ गया, वहाँ पे है कोस्की, वहाँ पे उस साइड में है, तो बस कुछ है। और यहाँ पे एक पॉल का शोरूम भी है, बहुत अच्छा वो मतलब है, बस ऐसा ही कुछ है। अभी जैसे कि मतलब दोपहर की टाइम है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है कमर्शियल मार्केट। तो आप जब भी कमर्शियल मार्केट आ रहे हैं तो सुबह ट्राई कीजिए आने के लिए, अराउंड 10:30 तक यहाँ पे अगर पहुँचते हैं तो अच्छे से यहाँ पे घूम के जो भी आपका शॉपिंग है वो कर पाएंगे। अदरवाइज़ मेरी तरह अगर बहुत लेट हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो गया है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज़ बस हमें तो पता है इंडिया में मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए बस मैं आपको और आगे दिखाती हूँ और बाकी क्या क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे है, फिलहाल मैं इतना कुछ शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या क्या है। बट आप लोग जब भी आइए अच्छे से मतलब पूरा होमवर्क करके आइए क्या लेना है क्या नहीं, ताकि आप एक बार सेंट्रल मार्केट में पहुँच जाएंगे, ये जो रोड है यहाँ पे आ जाएंगे तो सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। और शादी वगैरह है या घर पर फंक्शन है तो इसका भी आप पूरा प्रिपेयर होके आके यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ। बहुत आवाज़ आ रही है पीछे से, अगर मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही होगी तो आई एम सॉरी, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉइज़ है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा लाउड वॉइस में बात करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए
सुबह से आए हुए थे। जैसे कि आप सबको पता है, आज ये जो कमर्शियल स्ट्रीट में हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पे आपको मतलब दिन भर लग जाएगा। मतलब आप कुछ भी सामान खरीदिए, छोटे से बड़े तक का लेके आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ चीज़ खरीदा, स्ट्रीट शॉपिंग भी मैंने कुछ की हुई हूँ। एंड यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग के बाद आप अगर शोरूम से कुछ लेने वाले हैं, मतलब जो कि शोरूम पे कोई आपको जो भी चाहिए वो भी अवेलेबल है, सिर्फ आपको बहुत थोड़ा घूमना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है। मतलब ये कमर्शियल मार्केट इतना बड़ा है, ह्यूज है, तो आपको पेशेंसली यहाँ पे टाइम दे के और थोड़ा चल के ये सब करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे बस आज का जो भी मतलब ख़रीदना था हो गया है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग घर चलते हैं। एंड इसी के साथ ही आज का ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।